आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जैस्मिन की बेस्ट फ्रेंड पंकज भल्ला से। टॉप फोर में अपनी जगह बना ली है जैस्मिन ने और जैस्मिन जबरदस्त खेल रही है। और एली के निकलने के बाद लोगों को लगा था कि जैस्मिन कमजोर पड़ जाएंगी, लेकिन जैस्मिन ने फाइट बैक किया और जबरदस्त तरीके से खेली। पंकज, एली के जाने के बाद जैस्मिन का खेल कैसा है? वेलकम। थैंक यू सो मच। वेल, जैस्मिन के जाने के बाद अली के जाने के बाद जैस्मिन की गेम इज रियली इम्प्रूव्ड, यू नो, बिकॉज अली केम लाइक यू नो अ पंप टू हर। यू नो, पीपल हैव ऑलरेडी सेड कि जैस्मिन पहले रोती थी अली के आने से पहले, अली के जाने के बाद यू नो शी वॉज लिटरली कंफ्यूज, उसको पता नहीं था क्या करना है गेम में। यू नो, देयर टू वर्जन्स, वन इज बिफोर अली एंड वन इज आफ्टर अली। सो यू नो आई एम लविंग इट। वो क्यूट भी है, यू नो She can fight also. Even Ali ke jaane ke baad, she now knows the game. मुझे क्या करना है गेम में। So you know, I am loving it. मुझे बताइए कि जैस्मिन, उनका गेम कश्मीरा ने एक्सपोज किया, उनको कहा कि तुमने मास्टरमाइंड खेल रही हो। जो रिसेंट है वहां से शुरू करते हैं। आज का प्रोमो है, ताजी खबर है। मास्टरमाइंड हो, तुमने रो करके अली को बुलाया, रो करके अली को भेज दिया, तुम चाहती तो खुद भी निकल सकती थी, इस पर क्या कहेंगे आप? See, firstly, जब जैस्मिन घर पे थी तो she did not know that Ali is going to come in the house. उसको नहीं मालूम था कि अली आने वाला है। So Ali was a good surprise for her. See, Ali was very clear, मैं जैस्मिन तेरे लिए आया हूँ and मैं जैस्मिन तेरे लिए जा रहा हूँ। So it was Ali's decision to come, it was Ali's decision to go. तो जहाँ पे कश्मीरा कह रही है, you know, तुम sacrifice कर सकती थी, she wanted to sacrifice, but you know, Ali overpowered her in a way and you know, she said कि मुझे, you know, I have to go. So, you know, कश्मीरा का ये जो ब्लेम है, it does not stand anyway. See, कश्मीरा आई हैं, they have been given targets. So, I think कश्मीरा को लग रहा है कि जैस्मिन is a very soft target. But I don't think so. कश्मीरा को मालूम चलेगा gradually that जैस्मिन is not a soft target और जैस्मिन उस पर थोड़ा भारी पड़ेगी. So, I don't take कश्मीरा's claim at all. Okay, बहुत सारे सवाल है खेल से related, लेकिन आप जैस्मिन के बहुत अच्छे दोस्त हैं। आप मुझे बताइए जैस्मिन का कैसा नेचर है? जैस्मिन सीधी है, भोली है, शार्प है, कनिंग नजर आ रही है, प्लानिंग प्लॉटिंग करती हुई नजर आ रही है, तो रियल में जैस्मिन कैसी है और गेम क्या खेल रही हो? वेल, रियलिटी में जब आपने जैस्मिन को शुरू में देखा था, जो क्यूट आई थी जैस्मिन, बबली आई थी, दैट इज अ रियल नेचर। शी इज ऑलवेज हैप्पी, यू नो, शी डज नॉट लाइक टू फाइट ऑल्सो। अगर मेरी और जैस्मिन की लड़ाई होती है, शी इज लाइक अरे मत, मुझे लड़ना नहीं है। But now when we come to the game, you know, वो आई थी as Jasmine, as cute and bubbly. But you know, आप उसको poke कर रहे हो, आप उसको कुछ बोल रहे हो, आप उसको continuously, you know, you are picking up a fight. Like personally, I see Ajaz fighting with her. He is picking on Jasmine. Jasmine is giving back to Ajaz because Jasmine knows to fight. See, उसका real nature is not a fighting nature. उसको नहीं अच्छा लगता किसी से लड़ना या जवाब देना. She likes to keep it easy. She likes to keep it flexible. She doesn't want to, you know, किसी झगड़े में नहीं पड़ती है। बट बिकॉज इट इज अ गेम, आपको लड़ना पड़ेगा अपने लिए। सो आई थिंक दिस नेचर ऑफ जैस्मिन इज वेरी गुड। जो भी वो कर रही है, अच्छा कर रही है। आई थिंक इट इज फॉर द गेम ओनली। पंकज, जैस्मिन की एजाज से लड़ाई हुई या राहुल से लड़ाई हुई या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, जो भी हुई, उन्होंने सॉरी कह दिया, मगर रुबीना से उनका मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, उस पर उन्होंने सॉरी कहने से मना किया। उन्होंने कहा कि मैं बाहर जाकर करूंगी, ये स्कोर मुझे सेटल नहीं करना। तो क्या इज दिस फॉर गेम या क्या रीजन? हाउ डू यू सी इट? सी, फ्रॉम वेयर आई सी इट, अभिनव एंड रुबीना, वो जैस्मिन के साथ शुरू से थे, यू नो, दे वर सपोर्टिंग हर, जैस्मिन वाज सपोर्टिंग देम इन एवरीथिंग। रुबीना ने जो भी किया, जैस्मिन बहुत ज्यादा हर्ट हुई है, यू नो, शी इज रियली अफेक्टेड। शी वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि एक टास्क के लिए रुबीना इज गोइंग टू पिक ऑन हर। Like, you know, she has said a lot of things. Tu mujhe demean karti ho, tu mujhe chota, matlab, you know, a lot of things have been said by Rubina to Jasmine. Jasmine has answered back to Rubina. But the thing is ki Jasmine is not going to apologize to Rubina, jo ye pura scenario tha. See, Jasmine ka jo nature hai na, she takes a little bit of time to, you know, just melt it down, take it easy. Ab aap keh rahe ho ki Rahul and Ajaz, wo immediately jaake sorry bol deti hai. You know, the reason is why, because Rahul और एजाज से इतने अच्छे दोस्त नहीं थे। राहुल के साथ बॉन्डिंग हो गई, but they were not like really thick of friends. But Rubina was a good friend. And Jasmine, जब किसी अच्छे दोस्त से, you know, she gets hurt,
she does not, you know, she takes time to settle down. So I think Rubina ke saath, I think bahar jaake hi settle hoga unki building mein. पंकज, रुबीना और जैस्मिन की दोस्ती लोगों को बहुत अच्छी लगी थी और उनका झगड़ा भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो कंटेंट है, ये बिग बॉस है, यहाँ पर पिछले साल सिद्धार्थ और आसिम का झगड़ा ही शो को वहां तक लेकर गया था। इस बार भी जब बिग बॉस कुकिंग बहुत ठंडा चल रहा था, मगर जैसे जैस्मिन वर्सेस रुबीना एक ये चला, उसके बाद वो शो एस्टैब्लिश हुआ, फैंडम्स आगे आई। आपको लगता है कि कहीं कॉन्टेंट ड्रिवन लड़ाई होनी नहीं थी, बट बिग बॉस ने क्रिएट करा एक रिफ्ट जैस्मिन और रुबीना के बीच में, वो अपेरेंटली लग सकता है, बट यू नो दैट पर्टिकुलर टास्क जहाँ पे जैस्मिन जब दो घर का बंटवारा हुआ था, यू नो इन टू पार्ट्स, तो आई थिंक अभिनव और रुबीना से उसकी बहुत जेन्युइनली फाइट हुई थी। यू नो I think it started कि तुमने मुझे पिलो नहीं दिया तो मैं आपको एक परांठा और एक चाय दूंगी। I think it started with that. नहीं, मुझे तो थोड़ा ऑर्गेनिक लगा। I know कि थोड़ा सा लग रहा है कि you know Big Boss has created a rift, but I don't think it is a rift created. It's an organic rift. So even you know even I did not like it because Jasmine and Rubina, you know, this दोनों टेलीविजन की सुपरस्टार्स, very cute, you know, they had a good bond and everything was going well, but I did not like the rift actually which happened. But I, you know, but, it is a show. Big Boss and makers are liking it because you know उसकी वजह से show की TRP आ गई है। That TRP has created, right? Yeah. पंकज, Ellie और Jasmine दोनों की बहुत cute chemistry देखने मिली, you know, अच्छा लगा। एक strong pillar जो खड़ा रहता है, आपका दोस्त है, मगर वो है तो आपको strength आती है, जो Jasmine दिखाया। मगर एली ने भी कहा कि वो मेरी दोस्त है, जैस्मिन ने भी कहा मेरी दोस्त है, अब कल जैस्मिन ने कहा कि हम रिलेशनशिप में हैं 3 साल से और आप, मैं लकी हूं कि कोई मुझे इतना प्यार करता है। तो आखिर इनकी दोस्ती है, रिलेशनशिप है, आप दोस्त हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि फैंस है वो एली और जैस्मिन को ऑलरेडी जैस्ली करके वो बहुत प्यार करते हैं। सी अली एंड जैस्मिन, आई थिंक वो जानते हैं दूसरे को, अर्जेंटीना में जो खतरों का खिलाड़ी हुआ था तब से जानते हैं, एंड दे हैव अ वेरी क्यूट रिलेशनशिप। अली से भी मैं जैस्मिन के थ्रू ही मिला हूँ, सो इनकी दोस्ती बहुत अच्छी है, बहुत गहरी है, बहुत प्यारी है। और अब वो दोस्ती को, यू नो, आई मतलब आई हैव नॉट हर्ड दिस थिंग व्हिच यू सेड कि वो एक रिलेशनशिप को शी एक्सेप्टेड इट। आई डोंट नो, आज का प्रोमो आया है, प्रोमो में कश्मीरा से वो कहती कि कश्मीरा कहती कि तुम मास्टरमाइंड हो, तुमने एली को बुला लिया रोके और रोके भेज दिया। तो उसने कहा कि मुझे नहीं अच्छा लगा कि मेरे रिलेशनशिप को कोई गेम का नाम दे, मुझे बुरा लगेगा। और उसने ये भी कहा हम 3 साल से रिलेशन में हैं, और उसने ये भी कहा कि मैं लकी हूँ कि मुझे कोई इतना प्यार करता है। तो ये आज की प्रोमो में है। there's a lot of love, बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से, बट वो एक रिलेशनशिप का नाम, मुझे नहीं पता कि वो एक रिलेशनशिप का नाम दिया हुआ उन्होंने, बिकॉज आई थिंक दे आर वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड्स। You know, we all go for trips, we all sit together, and you know, we are all good friends, but I don't think a relationship hai, you know. I mean, she's saying on television, I don't know, but I think bahut zyada pyar aur dosti hai. So, relationship to mujhe nahi lagta hai, waisa. So, yani, in loga future aap nahi dekh rahe kuch bhi saath mein? See, wo dono bahut pyare lagte hai saath mein. See, wo dono bahut pyare lagte hai saath mein. I would be really happy if they are together, you know. If they have a relationship together, I mean, I would be, but abhi aisa kuch nahi hai, matlab. I don't think they're dating or anything like that. So, Pankaj, Jasmine aur Ellie, bilkul do alag-alag tarah ke log. You know, bilkul alag-alag tarah ke log hai. Halanki Jasmine yahan par lad rahi hai, par lekin unka nature bahut shant type ka lagta hai. Aisa lagta hai ki bahut ladne-vadne ka kuch khas shauk nahi hai. To, aur jahan ki Ellie ekdam aggressive hai, aur wo bolte bhi hai. इनकी जो दोस्ती है ना, इज जस्ट टोटली अपोजिट ऑफ अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर, एंड आई थिंक दे हैव बीन टुगेदर इन अ लॉट ऑफ शोज टुगेदर, चाहे वो खतरा खतरा हो, खतरों के खिलाड़ी हो, अब बिग बॉस है, यू नो दे हैव बीन टुगेदर, एंड I know they are very different to each other, but
आई थिंक वो जो ऑपोजिट अट्रैक्ट होता है ना, यही थ्योरी है इनके साथ. सो इट इज नॉट दैट की इन अ रिलेशनशिप और एनीथिंग, मतलब मुझे पता है आप क्या कह रहे हैं कि द ऑपोजिट अट्रैक्ट, बट वो दोस्ती के लिए अट्रैक्शन है. I'm sure कि लाइकिंग भी होगी, बट अभी वो रिलेशनशिप नहीं है उनका जैसा, मतलब यू नो लोग काफी लोग समझते हैं टुगेदर. आई रिस्पेक्ट योर थिंग. एजाज और जैस्मिन के उनका जो झगड़ा या उनका जो रिश्ता है बिग बॉस के घर में बना, जिस तरह का बार बार कुछ ना कुछ जैस्मिन ने जाकर एजाज को बोला, वो हमने देखा. एजाज जैस्मिन से लड़ने नहीं गए, ना एजाज ने बैड वर्ड्स बोले शुरू में, मगर जैस्मिन ने गए उसके बाद उन्होंने सॉरी भी कहा और इस मुद्दे को बहुत से लोगों ने उठाया. आपकी इस पर क्या टेक है? सी, जब पहले एजाज और जैस्मिन की लड़ाई हुई थी, आई थिंक दोनों ने एक दूसरे को काफी चीजें बोली होंगी. जैस्मिन ने उसे सॉरी बोला एजाज को, एजाज से कि तुम दिल से सॉरी नहीं बोल रही हो. अली के आने के बाद अली ने बोला जैस्मिन को एक और बार जाके सॉरी बोल दी, वेरी सीनियर एक्टर, यू शुड रिस्पेक्ट हिम. जैस्मिन ने फिर उसको सॉरी बोला एंड ही इज लाइक नहीं, तुमने अली के आने के बाद सॉरी बोला, तुम दिल से नहीं बोल रही हो. उसके बाद इनकी फिर अभी शार्क टास्क में लड़ाई हुई थी, जैस्मिन ने फिर सॉरी बोला एंड यू नो जो बात मुझे पर्सनली अच्छी नहीं लगी, एंड यू नो आई एक्चुअली वांट टू से दिस टू यू आल्सो, यू नो नेशनल टेलीविजन एजाज इज सेइंग दैट द शो इज बायस्ड टुवर्ड्स जैस्मिन, दैट यू नो मैं और मेरे अपने वी विल टेक एन एक्शन, हम ये करेंगे, मैं अपना वजूद दिखाऊंगा, मैं एजाज खान हूँ. सो यू नो आई रियली डोंट लाइक इट. आई नो फाइट हो रही है, घर तक की लड़ाई है, जैस्मिन ने सॉरी बोल दिया, आप बड़े हैं, आप बड़े होकर उसको माफ कर दीजिए अगर आपको लगता है कि उसने गलती करी है. बट इस चीज को आप इस मतलब हाउ कैन यू से ऑल दिस कि मैं ये शो गलत है, ये उसको बहुत सपोर्ट कर रहा है शो. सो आई डोंट थिंक इट इज राइट. सी, अगर मैं आपसे कुछ गलती करता हूँ, आई विल से सॉरी टू यू, इट इज योर विश कि आप मुझे माफी देना चाहते हैं नहीं, बट कल को आप मुझे बोले अरे मैं इसको बाहर जाके देखता हूँ ये क्या, यू नो आई रियली डू नॉट लाइक इट पर्सनली. एंड आई हैव रिटन दिस ऑन ट्विटर आल्सो दैट यू नो द मेकर्स, चाहे वो एंडेमॉल हो, चाहे वो बिग बॉस हो, कलर्स हो, दे शुड नॉट प्रमोट दिस. आई मीन दे कैन टेक एन एक्शन, दे कैन टेल हिम डू जस्ट काम डाउन, इट इज अ शो, आपकी शो में लड़ाई हुई है, आप शो में जस्ट सेटल इट डाउन. यू कांट से ऑल दिस कि मैं बाहर जाके मैं अपना वजूद दिखाऊंगा, मैं एजाज खान हूँ, यू नो दिस इज, आई डोंट थिंक दिस इज हेल्दी, दिस इज नॉट अ हेल्दी फाइट. So I think he should refrain from saying all this. Jasmine और राहुल की दोस्ती के बारे में, see if I tell you very frankly, जब जैस्मिन और राहुल की लड़ाई हुई थी, you know, initially, so जब अली घर पे नहीं गया था, I used to tell अली, अली मेरा बहुत मारने का मन कर रहा है इसको, पीटने का मन कर रहा है इसको मुझे राहुल को. अली कह रहा है हाँ यार इसने गलत किया, because you know we were looking at an angle, we were just looking at Jasmine's side, you know. उसका रिएक्शन, वो जिस तरह सोफे में कूद कूद के रोई, हमने भी आज तक नहीं देखा था, मतलब आई वाज स्केयर्ड इसे क्या हो गया, यू नो. बट व्हेन सर केम ऑन द वीकेंड कि जैस्मिन, ही प्लेड एन ऑडियो क्लिप कि जैस्मिन, उसने बहुत प्यार से कहा था आपको कई दफा कि प्लीज आप छोड़ दीजिए, तो जैस्मिन ने एक्सेप्ट कर लिया गलती, तो हमने भी एक्सेप्ट कर लिया कि जैस्मिन ने गलत किया, यू नो इट वॉज जस्ट एग्जैजरेशन. सो उसके बाद जैस्मिन ने सॉरी बोला, राहुल ऑल्सो सेड सॉरी टू हर, एवरीथिंग वॉज फाइन. See, Ali ke aane ke baad, you know, Ali and Rahul, you know, they are like brothers. They become brothers in the house. And Ali and Jasmine are very close friends. So similarly, you know, A equal to B, A equal to C, so B equal to C. So Jasmine and Rahul also became friends. So, and you know, one thing I want to say about Rahul, which is a very good thing. Jab Ali gaya hai, when he walked out, Rahul really supported Jasmine. Even Ajaz ke saath ho, ya Rubina ke saath, koi bhi Masla or Rahul had taken a stand, and really, you know, I just want to thank him for taking that stand, seriously. So, wo dosti, it just happened, you know, Rahul or Jasmine ki. So, I really liked it, seriously. Rahul or Ellie ki dosti, waqai matlab is ghar mein, agar main Rubina, Abhinav or Jasmine ki chhod do, to ek dusra rishta achha jo bana, wo Rahul or Ellie ka tha, jo logon ke dil tak pahuncha. Otherwise, yahan pe rishte bane nahi hai zyada is baar. इस बार तो कोई रिश्ता नहीं बनाया गया. हाँ. जिनके रिश्ते थे वो भी खराब हो गए. हाँ, सही बात है. हर बार कुछ ना कुछ रिश्ते बनते हैं, बनकर बाहर निकलते हैं. पंकज, आप कहाँ से बात कर रहे हैं, कहाँ से जुड़े हैं आप? अभी राइट नाउ आई इन दिल्ली राइट नाउ. अच्छा, ओके. सपोज्ड टू कम टू मुंबई, बट यू नो इट जस्ट गेटिंग डिलेड, इट जस्ट गॉट डिलेड बाय अ वीक. और यहाँ पे बहुत ठंड होगी, इट इज जस्ट इन द आफ्टरनून, थोड़ी सी यू नो थोड़ी सहूलियत है मेरे को. मैं आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ विंटर्स, यहाँ पे बॉम्बे में तो विंटर्स अब तक आए नहीं है.
सीरियसली बॉम्बे में विंडोज आते ही नहीं है। जैस्मिन जब कल ये अनाउंसमेंट हुआ कि तीन में से दो जना जो है वो रहेंगे और एक कोई चला जाएगा, और राहुल ने जिस तरह से स्टैंड लिया कि वो जा रहे हैं, इस पूरे मुद्दे पर आपको क्या कहना है? और रुबीना और जैस्मिन में से भी कोई एक जा सकता था बाहर जिस तरह का सिनारियो बना? इट वाज वेरी शॉकिंग फॉर मी कि राहुल सेड कि ही इज मिसिंग हिज फैमिली एंड ही वांट्स टू लीव द शो, बिकॉज आने से पहले आपको पता होता है यू नो कि आप यहाँ पे दो महीने तीन महीने साढ़े तीन महीने चार महीने रह सकते हैं। एंड आई डोंट नो कि राहुल को एकदम से क्या हुआ, आई मीन इतना क्या हो गया, हाउ ही गॉट अफेक्टेड इन वन और टू डेज दैट आफ्टर द शार्क टास्क एकदम से वो मेलो बन गया, यू नो, इवन इन फ्रंट ऑफ सलमान खान ही सेड आई एम सॉरी सर बट आई हैव टू गो, आई एम मिसिंग माई फैमिली, मैं अपनी फैमिली से इतना दूर नहीं रहा हूँ। बट आई थिंक राहुल वॉज डूइंग रियली वेल, आई मीन आई सी रुबीना जैस्मिन टॉप थ्री, सो राहुल को आई एम शॉक्ड कि राहुल he just walked out of the show, I mean seriously, and you know one more thing, I mean all the contestants should have stopped him ki rahul kya kar raha hai mat ja yaar, it is just a feeling which happens with everyone, jasmine ka man kara hoga jane ka, ejaz ka man kara hoga ghar se bahar jane ka, but nobody goes from the house, so I don't think it is a right decision because rahul is a very strong contestant, he could have gone to be the top 2 or top 3, तो मुझे नहीं लगता राहुल has taken a good decision. I don't think even you don't like his decision. Yeah, I didn't like because you know कोई strong contestant होता है जैसे निकी भी गई तो भी मुझे बुरा लगा because she was creating content. मुझे बुरा लगा actually. मतलब वो और especially last वो शुरू से connect बना था उससे लोगों का, और वो last में भी उसको शो के लिए पड़ी थी यार, बाकी लोगों को पड़ी नहीं थी, तो मुझे अच्छा नहीं लगा वो गई। निक्की में जो जील थी ना, the passion for the task for the show, वो ओपनली कहती है फैन मुझे बचाना है, मुझे घर में रहना है, उतनी जील किसी में नहीं है। सी एजाज खान में जील है बट उसकी जील जो है वो थोड़ी अजीब सी है, वो समझ में नहीं आती है। सी निक्की की जील बहुत जेन्युइन है, यू नो शी वाज समबडी, शी हैज डन 2-3 फिल्म्स इन साउथ, बट उसको फिर भी लोग जानते नहीं थे निक्की, क्योंकि निक्की तंबोली है कौन, बट निक्की ने द वे शी प्लेड, I mean, हाँ, वो हरकतें बहुत करती थी उल्टी सीधी, बट वो भी क्यूट लगती थी, so I really liked the way she was playing. मतलब निकी के जाने के बाद I do review, मैंने review में कहा था कि घर जो है वो सेम नहीं लग गया मुझे, मतलब and पहली बार मतलब निकी गई तो मुझे रोना आया, मुझे लगा कि क्यों गई, मतलब मुझे हंसी आती, बट क्योंकि मैंने खुद निकी को बहुत क्रिटिसाइज किया था उनके सारी चीजों पर, लेकिन उसकी जरूरत थी घर, वो एक एलिमेंट क्रिएट करती थी मतलब वो सुबह उठ के चाहे वो डांस करे कुछ भी करे, यू नो वो होते ना घर में बच्चों से चहल पहल रहती है, तो वो थोड़ी चहल पहल थी शो की। एनी वन राहुल वॉज इट, राहुल का तो डिसीजन मेरे को समझ में नहीं आता राहुल ने क्यों लिया, सीरियसली आई थिंक दैट यू नो दैट फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड यू वर गिवन एन ऑप्शन, ही जस्ट टुक इट, आई होप उसको समझ में आया क्या करे उसने। मेरे ख्याल से भी इस चैलेंजेस वाले सीन में एली राहुल निक्की इनकी कुछ एंट्री का सीन बनेगा शायद से, ऐसा लग रहा है होपफुली। आई विश आपको तो पता ही होगा ज्यादा यार, अभी जो चैलेंजेस आए हैं उनमें से जैस्मिन को किससे बच कर रहना चाहिए, आपको क्या लगता है? सी राखी सावंत राहुल महाजन मेरे को ठीक लगते हैं, मुझे अर्शी और कश्मीरा शाह और मनु पंजाबी, तो ये तीन ऐसे लोग हैं जो थोड़े ना दे कैन रियली पोक समवन, वो टारगेट कर सकते हैं। मुझे जितना प्रोमो में समझ में आया कि आई डोंट, मुझे ऐसा फील हो कि जैस्मिन को थोड़ा ज्यादा टारगेट करेंगे बिकॉज फॉर देम शी इज अ सॉफ्ट टारगेट, वो कुछ बोलेगी नहीं, वो सुन लेगी, बट वो भी सुनेंगे। लाइक मनु ने भी थोड़ा सा बोला था, आई थिंक आई सॉ इन अ प्रोमो की अरे कि अली को लेके कुछ बोला था, कश्मीरा ने भी अली को लेके बोला था, राखी ने बोला था कि तुम रोती रहती हो क्रिस्टीन डाल के, तो उनको लग रहा है सॉफ्ट टारगेट है, बट दे शुड नो कि वो शो में लड़ी है अभी तक, सबसे लड़ी है, इनसे भी लड़ सकती है, शी इज इन द प्रेजेंट शो, वो सब पुराने आए हैं, थोड़ा बहुत देख के इट डज नॉट मैटर। बट हाँ, अर्शी कश्मीरा और मनु पंजाबी, दीज थ्री आर समबडी जो थोड़ा। और किससे जैस्मिन को सपोर्ट मिलेगा चैलेंजर्स में, किसके साथ चलना चाहिए? न्यू द कंटेंडर्स साथ तो किसी की नहीं चलना चाहिए, बट आई थिंक राहुल आई थिंक प्रोबेबली राहुल इज फाइन, ही कैन यू नो टॉक एंड सपोर्ट हर। आई थिंक मनु माइट फ्लिप टुवर्ड्स जैस्मिन, वो इतनी क्यूट है ना, तो जैसे लड़के जो होते हैं ना थोड़ा सा वो हो जाते हैं उसको देख के, यार ये बड़ी क्यूट है, जिसके साथ नहीं रहता।
सो आई थिंक मनी विल फ्लिप फॉर जैस्मिन. और जितने लोग घर में हैं, रुबीना, अभिनव और एजाज और जैस्मिन, इनमें से जैस्मिन को किससे बच के रहना चाहिए, उन तीनों में से किसके साथ रहना चाहिए? See, ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है आज की डेट में, बिकॉज अभिनव और रुबीना की लड़ाई से पहले रुबीना अभिनव जैस्मिन टुगेदर. अब अभिनव और जैस्मिन में और रुबीना और जैस्मिन एक छोटा सा रिफ्ट आ चुका है. सी अभिनव और जैस्मिन का रिफ्ट क्लियर हो जाएगा बिकॉज आई थिंक दे आर वेरी थिक फ्रेंड्स, यू नो दे हैव दैट सॉर्ट ऑफ बॉन्डिंग. रुबीना और जैस्मिन का मुझे लगता नहीं है इतनी आसानी से ठीक होगा. एजाज के बारे में क्या बोलूं, वो जैस्मिन चुपचाप बैठी भी हो ना, वो कुछ भी बोल सकता है. सो आई डोंट थिंक एजाज, मतलब एजाज एक ऐसा बंदा मुझे समझ में नहीं आता पर्सनली. And he has been targeting Jasmine from day one. Jasmine has started giving it back to Ajaz. I'm really liking it. I would want Jasmine to keep Bajao, you know, Ajaz. I would love it. तो उससे बचने की तो अच्छा content create होता है. अक्सर वो लोग बात करते हैं, मतलब यानी अच्छा content create होता है उससे. एक और चीज पंकज, सिद्धार्थ शुक्ला और Jasmine बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं. पिछले season में Jasmine उनकी दोस्त बनकर आई थी और बहुत सारी चीजें उन्होंने सिद्धार्थ शुक्ला को सजेस्ट की थी. सिद्धार्थ शुक्ला के लिए बहुत काम भी आई थी और वो उनको देखकर खुश हुए थे. उनको लगा था कि हाँ उनका अपना कोई दोस्त है. तो सिद्धार्थ शुक्ला की फैंडम जो थी वो बहुत सपोर्ट कर रही थी जैस्मिन को. यू नो सिद्धार्थ के जो सपोर्टर्स थे वो जैस्मिन को सपोर्ट कर रहे थे. मगर सिद्धार्थ शुक्ला जब शुरू में गए तो जैस्मिन ने एक्सपेक्ट किया था कि वो जैस्मिन को सपोर्ट करेंगे, मगर वहां उन्होंने फेल खेला. उन्होंने अपना जो अपना या क्रिएटिव का दिमाग जो भी है वो इस्तेमाल किया और गेम बदल गया, निकी को सपोर्ट किया. तो आपको लगता है उस समय जैस्मिन क्योंकि उनके एक्सप्रेशन हमने रीड किए थे, वो शॉक थी कि मेरा दोस्त ये सपोर्ट नहीं कर रहा है, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? See, even I was little shocked कि यार सिद्धार्थ कि last year Jasmine सिद्धार्थ को support करने गई है, बाहर की बातें बताई हैं, चीजें you know expose करी हैं. And she was supporting Siddharth. So obviously you will expect कि Siddharth as a senior, as a winner of last season, वो आ रहा है तो जैस्मिन को इतना ओपनली सपोर्ट नहीं भी करेगा, एटलीस्ट उसको थोड़ा न्यूट्रली रह के उसे चीजें समझा सकता था. बट सिद्धार्थ ने यू नो मे बी ही वॉज रियली फेयर और मे बी उसको मतलब बिल्कुल जब सपोर्ट नहीं किया जैस्मिन को, तो मुझे सी फ्रॉम व्हाट एंगल आई सी इज उसे निक्की को सपोर्ट किया, राइट? व्हेन इट केम टू निक्की एंड जैस्मिन, सी आई बिलीव पीपल ऑलरेडी न्यू जैस्मिन कौन है. तो जैस्मिन वॉज समवेयर हियर, निक्की को लोग जानते नहीं, निक्की वॉज हियर, मे बी इन द बिग बॉस हाउस दे वर सेम, बट कहीं ना कहीं यहाँ थी. सिद्धार्थ शुक्ला ने निक्की को यहाँ तक लेके आया सो दैट द कॉम्पिटिशन शुड मैच. मतलब मुझे तो यही लगता है दैट कुड बी द ओनली रीजन, बिकॉज अगर आपका अगर सपोज मैं जाता हूँ जैस्मिन के लिए, मतलब यू नो इफ आई एम ऑलरेडी इन द हाउस मैं जाता हूँ, मैं जैस्मिन क्यों नहीं सपोर्ट करूंगा, यू नो देयर इज नो रीजन. तो मुझे लगता है प्रोबेबली द क्रिएटिव और मे बी सिद्धार्थ रियली प्लेड फेयर कि यार मैं निक्की को थोड़ा पुश कर देता हूँ, you know she'll get that little what she wants and phir ye bhide to zyada acha hoga, because otherwise see I don't find any logic iske piche. But Jasmine ki kiske sath ki ladai aapko bahut entertaining lagi, acha content create kiya aisa aapko laga? See sabse achi ladai agar hogi to Ali ke sath hoti, jo nahi hui thank god. But I think Jasmine और एजाज की जब भी लड़ाई होती है ना, इट इज वेरी ऑन द फेस. आई मीन यू नो यू सॉ दिस दैट क्लिप जहां पे दे केम ऑन द फेस, यू नो सी जैस्मिन, जब एजाज एक टास्क में जैस्मिन के पास आया था, शी कंप्लेन टू सलमान से यार ये बहुत पास आ जाता है, तो यू नो बट सी द चेंज, यू नो द होल ट्रांजिशन की वो खुद शी चार्ज्ड इन, दे बोथ चार्ज्ड इन, जैस्मिन पीछे हटी नहीं. सो आई थिंक जैस्मिन और एजाज की जो लड़ाई होती है ना छोटी नहीं होती, बड़ी बड़ी चलती है. फिर कमेंट थोड़े बहुत पास होते हैं और लोग इन्वॉल्व होते हैं, एजाज पीछे जाके कैमरा या किसी ना कोई ना कुछ बोलता रहता है, तो वो बड़ी लंबी चलती है. तो आई थिंक इनकी एक छोटी लड़ाई ना दो तीन दिन का कंटेंट दे देती है एंड इट कीप्स गोइंग ऑन. पंकज, जैस्मिन के बिग बॉस के शो की बात करेंगे तो अभिनव का जिक्र बहुत जरूरी है. जैस्मिन और अभिनव का एक अच्छी दोस्ती, एक अच्छा बॉन्ड बना है. उनकी दोस्ती के बारे में अगर आपको कमेंट करना, शुरू से जैसे बनी दोस्ती और अब जहां पहुंची, स्पेशली वो फिश वाले शार्क वाले टास्क में जो कुछ हुआ, इस पूरे मामले पे आप क्या कहना चाहेंगे? See, I think Abhinav is a sort of perfect, you know that कहते हैं ना friend material, जैसे boyfriend material होता है, एक friend material भी होता है. तो Jasmine के लिए Abhinav एक बहुत friend material थे, you know the sort of things I think they've discussed about trekking, about traveling and you know थोड़ा बहुत वो पहले से एक दूसरे को जानते भी थे, एक ही बिल्डिंग में एक दूसरे को देखते रहते होंगे जाते हुए, एंड प्रॉब्ली बोथ आर वर्किंग इन टेलीविजन. सो आई रियली लाइक्ड, आई ऑलवेज थॉट कि रुबीना और जैस्मिन की फ्रेंडशिप इज गुड,
बट रुबीना और जैस्मिन और अभिनव की जो दोस्ती है दैट वाज मच मोर स्ट्रॉन्गर दे हैड अ मोर यू नो दैट सॉर्ट ऑफ बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट विच वॉज आई थिंक अभिनव हैड प्लेड वेरी न्यूट्रल बिटवीन रुबीना एंड जैस्मिन उसने रुबीना के सामने जैस्मिन को बहुत ओपनली सपोर्ट किया है So I've, you know, personally, I really liked Abhinav as a person, as Jasmine's friend in the house. But shark wale task mein what happened was, which from my angle, see, Jasmine kursi khinch rahi thi, usko, you know, she was giving 100%. Abhinav, no doubt, is way stronger than Jasmine. Usne kursi nahi di. But is duran, Abhinav ne bhi kuch cheeze boli Jasmine ko, ki yaar, tu kya kar rahi hai, tu apne aap ko dekh, tu galat ja rahi hai. वहां से रुबीना की कमेंट्री तो चलती रहती है 24 घंटे जब भी कुछ होता है तो मुझे लगता है कि अभिनव ने हल्का सा ज्यादा रिएक्ट किया था बिकॉज जब जैस्मिन ने निक्की कुर्सी ली थी निक्की ने कुछ भी नहीं बोला बस अपनी कुर्सी बचा रही थी तो आई थिंक कंपैरेटिवली अभिनव ने थोड़ा सा रिएक्ट किया था विच ही कुड हैव अवॉइडेड बिकॉज वो एक टास्क था सो आई डोंट थिंक आपका एक छोटा सा टास्क आपकी दोस्ती को अफेक्ट कर देना चाहिए बट द गुड थिंग इज कि यू नो दैट थिंग इन द पिक्चर हैड टू गो इनसाइड यू नो So I think uske baad things have become much better. They have hugged each other. And I think Rubina, Jasmine and Abhinav, they all three are friends again. So, आपको लगता है बाहर आकर जैस्मिन और रुबीना की दोस्ती आपस होगी कैसे होगी क्या होगा बाहर आके तो मुझे लगता नहीं कुछ दिन किसी से भी मिलेगी ये किसी बिग बॉस कंटेस्टेंट से नहीं मिलने वाली as in for some time. But I think because of Abhinav, Rubina से वो दोस्ती सी कायम रहेगी Because Abhinav और Jasmine का bond मुझे दिखता है काफी strong है ये घर के बाहर भी इन तीनों का bond रहेगा Rubina के साथ अगर अकेली होती तो शायद मुझे नहीं पता But इन तीनों का bond अच्छा रहेगा एक जो पंकज हम देखते बाहर से तो Rubina थोड़ी mature और Jasmine थोड़ी you know baby type लगती है इनकी दोस्ती नष्ट करके जाना चाहती हूँ मगर जैस्मिन ने नहीं किया वो तो ये किससे क्या आपको लगता है कि रुबीना इस दोस्ती को बचाना चाहती थी जैस्मिन नहीं करना चाहती नो डाउट रुबीना ज्यादा मैच्योर है रुबीना जिस तरह बात करती है जिस तरह से चीजें एक्सप्लेन करती है डिबेट करती है शी कम्स आउट एज अ मोर मैच्योर पर्सन एज कम्पेयर टू जैस्मिन जैस्मिन को लोग थोड़ा इमैच्योर इसलिए बोलते हैं कि वो बहुत क्यूट है बबली है कुछ सोच के इतना नहीं बोलती है जो मन में करता है थराके से कर देती है बोल देती है तो उसको रुबीना को लोग मैच्योर बोलते हैं उसको थोड़ा इमैच्योर बोलते हैं बट जैस्मिन इज वेरी मैच्योर वो अपने डिसीजंस चाहे वो घर के अंदर हो या फिर लाइफ के डिसीजन हो बहुत ही समझदारी से लेती है सी रुबीना ने तीन चार बार ट्राई किया कि वो जैस्मिन के पास यू नो दोस्ती बचाने के लिए ऐसे एफर्ट्स करे बट वो दोज एफर्ट्स वो ऑर्गेनिक और नॉट वो हमें नहीं पता मे बी दोज एफर्ट्स वर फॉर द शो आल्सो यू नो बिकॉज रुबीना के सपोर्ट में से अभिनव है देयर इज नोबडी एल्स टू सपोर्ट रुबीना जहां तक जैस्मिन की बात है जैस्मिन ने एकदम से उसको माफ नहीं किया उसे बात नहीं करी आई थिंक बिकॉज जैस्मिन ने शो के बारे में नहीं सोचा जैस्मिन को लगा नहीं यार इसने मुझे हर्ट किया है आई विल टेक माय ओन टाइम एंड आई विल सेटल इट व्हेन आई हैव टू सेटल सो आई थिंक ये जैस्मिन की दिल की सच्चाई बताता है और रुबीना इज मैच्योर शी स्मार्ट प्रोबेबली शी डिड इट फॉर द शो नॉट इन रियलिटी पंकज जैस्मिन पे ये भी इल्जाम लगा कि वो फेक है शी इज नॉट रियल जो शुरू में अलग थी बाद में अलग हो गई थी ये इल्जाम लगाने वालों पर क्या कहेंगे सी ये इल्जाम अली के आने के बाद लगने शुरू हो चुके हैं बिकॉज अली से पहले वो लोगों लगती बहुत क्यूट है बहुत बबली है वो जो बाल्टी थी वो यू नो जो कपड़े नहीं धो पा रही थी तो शी स्टार्टेड क्राइंग और अली के आने के बाद उसमें यू नो एक कॉन्फिडेंस आया विच पीपल काफी लोग कह रहे हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस आ गया है यू नो वो लड़ाई कर रही है वो एकदम से चेंज हो गई है बट दीज आर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग अगर मैं भी हूँ मैं अगर नहीं जानता नई जगह पे आऊँ तो मुझे लोग थोड़ा डोमिनेट कर रहे हैं मैं शायद मतलब यू नो मैं शायद रोलूं किसी बात पे बट अगर आप मेरी फ्रेंड है आप अंदर आ जाए मेरे साथ यू नो यू गिव मी दैट पुश तो यू नो आई विल फाइट विद पीपल इफ आई वांट टू फाइट आई विल डू माय थिंग व्हाट आई वांट टू डू तो जो लोग कह रहे हैं जैस्मिन फेक है वो बिल्कुल गलत है जैस्मिन बिल्कुल फेक नहीं है जैस्मिन एक बहुत रियल इंसान है मैं उसको 10-12 साल से जानता हूँ वो ऐसी ही है
वो बेवजह लोगों से नहीं लड़ती है, वो बहुत यू नो लोग जो खुश रहते हैं ना, खुश रहने वाले लोगों में से है. बट अगर आप उसको पोक करेंगे, अगर आप उसको तंग करेंगे, तो वो आपको शी इज गोइंग टू गिव इट बैक टू यू. तो हाँ, लोगों अगर फेक लगती है तो आई थिंक दैट इज देयर प्रॉब्लम. शी इज वेरी वेरी रियल एंड दैट इज व्हाई शी इज माय फ्रेंड. कौन कौन जीतेगा अब चैलेंजर्स के सामने के बाद, कौन जीतेगा ट्रॉफी? See, मेरे हिसाब से जैस्मिन क्लियरली विंस द शो बिकॉज शी हैज डन एवरीथिंग इन द शो. उसने सारे टास्क अच्छे से करे हैं. शी यू नो शी इज परफेक्ट फॉर द शो. सो मेरे हिसाब से जैस्मिन जीतेगी शो. प्रॉबेबली रनर अप हो सकती है रुबीना. चैलेंजर्स जो आए हैं वो सिर्फ चैलेंज करेंगे और आई थिंक चैलेंज कर करके चले जाएंगे. वो मुझे लगता है कोई चैलेंजर्स शो जीत सकते हैं. दे हैव नॉट डन द जर्नी ना. रुबीना, जैस्मिन, राहुल, दीज गाइज वर फ्रॉम द बिगिनिंग. Even Wild Card, अगर कविता भी होती, अगर अभी अली भी होता, they would have genuinely been in the top place. वो शो जीत सकते थे, but challengers नहीं, you know. वो पुराने सीजन के हैं, वो आएंगे, वो तंग करेंगे, तंग करके चले जाएंगे. शो जैस्मिन ही जीतेगी. उसको बाप से बहुत सपोर्ट है. ऐसी क्यूट और बबली लड़की, यू नो, लोग ढूंढते हमारी गर्लफ्रेंड ऐसी हो, हमारी बीवी ऐसी हो, हमें जैस्मिन ही चाहिए. सो आई थिंक शी इज द परफेक्ट पर्सन टू विन द शो. हाँ, मैं थोड़ा तो आपको लग रहा है मैं बहुत बायस्ड होऊंगा, मैं उसका दोस्त हूँ, बट वो भी है. तो पंकज, आपसे बात करने में बहुत मजा आया और पंकज ने क्लियर कट कहा है कि जैस्मिन ही ट्रॉफी जीतने वाली है. पंकज, दोबारा बात करेंगे थोड़ी देर. चैलेंजर्स क्या गुल खिलाते हैं अंदर वो देखने के बाद. ऑलराइट, थैंक यू सो मच. इट वाज अ प्लेजर. यू आर वेरी, या टेक केयर. बाय बाय. बाय बाय.